ओपन कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ से किसी भी फॉन्ट को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट स्टाइल है इसको मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। फिर यहाँ से फॉन्ट साइज को भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा और इसके साथ ही बोल्ड और अंडरलाइन को भी अप्लाई कर दूंगा। फिर मैं चला जाऊंगा पैराग्राफ ग्रुप में और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बायोडेटा। बायोडेटा लिखने के बाद मैं नीचे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद बैकस्पेस देके एकदम लेफ्ट साइड में चलाऊंगा। फिर मैं चला जाऊंगा होम टैब में और यहाँ से फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर दूंगा और उसके साथ ही अंडरलाइन को भी यहाँ पे इनएक्टिव कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे एक बार एंटर करके यहाँ पे टाइप करूंगा नेम। अब मैं यहाँ पे तीन बार टैप प्रेस करूंगा और यहाँ पे दूंगा कोलन। कोलन देने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करोगे। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम टाइप कर रहा हूँ। फिर मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फादर्स नेम। फिर मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूंगा। टैप प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा कोलन। फिर मैं फादर्स नेम को यहाँ पे टाइप करूंगा। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको यहाँ पे टैप प्रेस करने के बाद कोलन देने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद मैं नीचे एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा टैप प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करूंगा। फिर मैं यहाँ पे एंटर करके नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा मोबाइल नंबर। फिर मैं यहाँ पे टैप प्रेस करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप कर दूंगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे आपको टैप की प्रेस करने के बाद कोलन देने के बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ऐड कर रहा हूँ। फिर एक बार एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ईमेल आईडी मैंने लिखा है वो यहाँ पे हाइपरलिंक हो चुका है। तो इस हाइपरलिंक को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। इसके लिए इसके ऊपर एक बार राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए रिमूव हाइपरलिंक नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ से हाइपरलिंक रिमूव हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंडर। जेंडर लिखने के बाद कोलन देने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा मेल। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैरिटल स्टेटस। इसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करके एकदम यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस डाल सकते हो। फिर मैं यहाँ पे एंटर करके नीचे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी। कैटेगरी में आप एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी आपका है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फिर मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिलीजियन। यहाँ पे टैब प्रेस करके आप अपना रिलीजियन को टाइप करोगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे नेशनलिटी। नेशनलिटी यहाँ पे आपको लिखना होगा इंडियन। टैप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडियन। फिर एंटर करके नीचे आएंगे और पेज को थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज नोन। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो जो लैंग्वेज आपको आता है वो आप यहाँ पे वन बाय वन लिख सकते हो। फिर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोलन देने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में और यहाँ से आपको क्लिक करना है टेबल में। टेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल का बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको 5x4 मतलब कि 5 कॉलम और 4 रो को इंसर्ट कर लेना है। जस्ट एक बार क्लिक करेंगे, ये देखिए टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस टेबल को थोड़ा बड़ा कर लूंगा। फिर मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊंगा लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद इसका अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज कर लूंगा, मतलब अलाइनमेंट को यहाँ से सेंटर कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में टाइप करूंगा एग्जामिनेशन। फिर टैब प्रेस करके दूसरे कॉलम में टाइप करूंगा बोर्ड और यूनिवर्सिटी करूंगा एग्जामिनेशन। फिर टैब प्रेस करके दूसरे कॉलम में टाइप करूंगा बोर्ड और यूनिवर्सिटी। फिर मैं इस कॉलम के राइट बॉर्डर में क्लिक करके इसको थोड़ा ऑटो एडजस्ट कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ईयर ऑफ पासिंग। नेक्स्ट कॉलम में टाइप करूंगा परसेंटेज और लास्ट में टाइप करूंगा स्ट्रीम। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे वन बाय वन टाइप कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सेकेंडरी, फिर उसका बोर्ड, पासिंग ईयर, फिर इसके बाद मैं टाइप करूंगा परसेंटेज,
और लास्ट में स्ट्रीम। बिल्कुल ऐसे ही क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको अपना सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पे कर्सर को सेट करके यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख रहा हूँ डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। जस्ट ये एक बार मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर एंटर करने के साथ ही यहाँ पे नंबर 2 आया है जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर आप एंटर करके इस नंबरिंग को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और नीचे यहाँ पे ऐड करूंगा वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस लिखने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर से नंबरिंग ऐड करेंगे। जस्ट यहाँ पे लिखेंगे अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वर्किंग एक्सपीरियंस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग एज ए स्टोर मैनेजर इन एबीसी इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। जस्ट ये मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे वन बाई वन आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नंबरिंग रिमूव करने के लिए और एक बार एंटर करेंगे और एक बार एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन देना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने बायोडाटा में यहाँ पे दिया है वो सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इसके ऊपर एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने सीवी में कोई भी डिक्लेरेशन को ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एंटर करके नीचे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डेट। डेट देने के बाद यहाँ पे कोलन देंगे, उसके बाद एंटर करेंगे और नीचे लिखेंगे प्लेस। फिर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर। फिर शुरू में कर्सर को सेट करेंगे और इसको टैप करके एकदम एंड तक लेके जाएंगे। फिर इसके ऊपर एक लाइन शेप को ऐड करेंगे। इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए शेप नाम का एक ऑप्शन है और यहाँ से मैं लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन को एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद मैं चला जाऊंगा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए शेप स्टाइल ऑप्शन से यहाँ पे ब्लैक कलर को चूज कर लूंगा। अब इसके ऊपर आप मैन्युअली साइन कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे एक इमेज को ऐड करूंगा। इमेज को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है पिक्चर में। पिक्चर्स ऑप्शन में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं डेस्कटॉप को चूज कर लूंगा क्योंकि मेरा इमेज जो है वो डेस्कटॉप में है। और यहाँ से मैं इमेज को चूज करूंगा। चूज करने के बाद जस्ट एक बार इंसर्ट में आके एक बार क्लिक कर लेना है। इंसर्ट में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ से आपको टाइट में जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से इस इमेज को छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो डॉट है यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को छोटा कर लूंगा और थोड़ा छोटा कर लूंगा। छोटा करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो मैं इसको क्लिक करके एकदम यहाँ पे मूव कर दूंगा। तो ये देखिए मूव हो चुका है। अब मैं फिर चला जाऊंगा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा। तो फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद विड्थ में जाना है और यहाँ से आप किसी भी विड्थ को चूज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने एक पिक्चर बॉर्डर को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा बायोडाटा जो है वो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं इस बायोडाटा के चारों साइड में एक बॉर्डर अप्लाई करूंगा। इसके लिए बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाने के बाद एकदम लास्ट में यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट में ऑप्शन है पेज बॉर्डर का। एकदम लास्ट में ये देखिए पेज बॉर्डर नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपने हिसाब से किसी भी बॉर्डर स्टाइल को चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉर्डर स्टाइल को अप्लाई कर दूंगा और एक बार बॉक्स में आके क्लिक करूंगा। बॉक्स में क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो चारों साइड में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। जस्ट एक बार ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पेज बॉर्डर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ये देखिए। और इसके साथ ही मेरा पूरा बायोडाटा का फॉर्मेट यहाँ पे कम्प्लीट होता है।